reflection from the curved surfaces. Reflection from the curved surfaces, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है. अब ये स्फेरिकल मिरर्स बनता कैसे? सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक स्फीयर ले लिया ग्लास का, उसको मैंने क्या कर दिया, बीच से ऐसे बिजली गिरा दी, है ना. बिजली गिरा दी तो क्या हो जाएगा, बीच से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा. तो ये मैंने टूट दिया ऐसे, सिर्फ इतना लिया मैंने, देखो इतना इतना. इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपर्चर. दिस इज कॉल्ड एपर्चर. ये भी एपर्चर है, ये भी एपर्चर. तो ज्यादा मुड़ा हुआ, ज्यादा कर्व्ड वाला नहीं लेना है, कम कर्व्ड वाला लेना है, वो ज्यादा आपको अच्छे से इमेज क्लियर दिखाई देता है. तो हम क्या करते हैं, एपर्चर, लो एपर्चर लेते हैं, हाई एपर्चर नहीं लेते. एपर्चर मतलब कितना वो कर्व्ड है, तो लो लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है हमारे. अब ये दो टाइप के मिरर मिल गए हमको. स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्केव, है ना, और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉन्केव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? चलिए, अच्छा, इसको मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तरफ से कोटिंग करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी. तो इसको मैं बाहर साइड से कर दिया और इसको अंदर से कर दिया. अब इसका देखो, बताओ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर तरफ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्केव. ये क्या हो गया आपका, कॉन्केव मिरर. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स. ठीक है, अपर्चर ये भी है, ये भी है, दोनों अपर्चर ही. क्लियर हुआ? मतलब इस कर्व्ड सरफेस को हम अपर्चर बोलते हैं, सिंपल याद रखो. तो आपको कभी भी डाउट हो कि किसको कॉन्केव बोलते हैं, किसको कॉन्वेक्स मिलते हैं, हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना, सांप बना लेना. ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्केव. अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स. कंफ्यूजन होता है, इसीलिए शॉर्टकट बताया, ट्रिक बताया कि याद रखना है. न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यार कंफ्यूजन होता है, अरे यार कॉन्केव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है. तो याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर तो कॉन्केव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से तो कॉन्वेक्स. क्लियर? अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको समझना है, है ना, जो कि आपको दोनों में काम आएगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में काम आएगा. ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर. ये मैंने ड्रॉ किया, अच्छा इसको बीच में बनाते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो बीच में हम सेंटर में ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. जो प्लेन मिरर में भी था, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे भी इंसिडेंट पॉइंट डिपेंड करेगा आपकी इंसिडेंट रे पे, जहां पे इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, अब अच्छा एक बात, अब ये जो मैंने स्फीयर बनाया है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा. तो यहाँ पे सेंटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. क्योंकि आपका जो सरफेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि यहीं से काट के ही तो ये बनाया है. तो यहाँ पे मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसका सेंटर पॉइंट है. क्लियर हुआ जी? सेंटर का जस्ट हाफ जो होता है वो आपका फोकस होता है, फोकस पॉइंट, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं. इतना इजी है. हाँ, सेंटर पॉइंट आपका, इसका डिस्टेंस जो मेजर करोगे वो रेडियस के बराबर हो. सेंटर पे पकड़ के तो सर्कल बनाते हैं ना, तो रेडियस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो जब भी आप डिस्टेंस
मेजर करोगे किसी का भी ऑब्जेक्ट का, फोकस का, किसी का भी, तो हमेशा हम मिरर से मेजर करोगे, मिरर के सेंटर पॉइंट से मेजर करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। एफ जो है वो आपका फोकस पॉइंट है ना, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें बता दिया है ना मैंने अभी। क्या बोला, एफ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है, मतलब एफ जो है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अब इसको जब मैं मेजर करता हूं यहां से यहां तक फोकस को, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। पोल से जब मैं मेजर किया फोकस पॉइंट को, तो उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, अब इसमें भी वही कहानी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। मान लो आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे तो उसको यू लिखेंगे, और इमेज बनेगा कहीं पे भी तो वो वी होगा, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक। प्लेन, तो ये प्लेन है भाई, जो बोर्ड है ये प्लेन है, और क्या, फोकल प्लेन, मतलब प्लेन पे अगर फोकस मिलेगा तो फोकल प्लेन। और कोई डाउट, क्लियर है, पक्का, नोट कर लीजिए सर। ओके, वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट आर दे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कल पढ़े थे ना हम लोग लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्या था, कॉनकेव, एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स। ठीक है, दो टाइप के क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, फर्स्ट कॉनकेव, सेकेंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, ऐसा कर्व्ड सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो, इनर साइड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के हमने मिरर कल देखा था, हमने दो टाइप के मिरर देखे थे। उसके बाद अब हमको देखना है रूल्स फॉर forming images in these mirrors, है ना, इस मिरर में अब हमको क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके लिए हमको क्या कर दो, रूल्स पढ़ने। तो फर्स्ट रूल नंबर वन क्या कहता है, रूल नंबर वन ये कहता है कि ये कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर में ये, व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, अगर कोई रे क्या होती है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पे मैंने कल बताया था एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और उसी का जस्ट हाफ क्या होता है, फोकस पॉइंट। तो ये क्या होगा, इससे टकरा के रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो किस तरफ होगा रिफ्लेक्शन, ये इसका क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट के परपेंडिकुलर हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। टेंजेंट किसको बोला जाता है, किसी भी कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं क्या करूं, एक लाइन टच करते हुए जाती है किसी एक पॉइंट पे, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। किसी भी कर्व्ड सरफेस के किसी एक पॉइंट से एक लाइन अगर टच करते हुए जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी कर्व से अगर मुझे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट, क्योंकि कर्व्ड का आप बता सकते हो क्या, नॉर्मल कहाँ पे बनेगा, कभी नहीं बता सकते, इसीलिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। अब इस टेंजेंट ने परपेंडिकुलर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, नॉर्मल की उसी साइड से जाएगा कि दूसरी तरफ से जाएगा, बताइए, रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर ही जाएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो
तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उतनी एंगल से क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल क्या कहलाता है? इंसिडेंट एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? फोकस। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है कि कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कोई भी रे, तो हमेशा टकराने के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। कहां से होते हुए जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। रूल नंबर टू, ठीक है। रूल नंबर टू क्या बोलता है कि अगर कोई रे किसी का जस्ट अपोजिट, अगर कोई रे कहां से होते हुए जा रहा है? फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो रही है। ये आपका फोकस पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे है। फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां चले जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी, जस्ट अपोजिट। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई तो कहां से होते हुए गई? फोकस से होते हुए जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन होने के बाद वो कहां से जा रही है? फोकस पॉइंट से होते जा रही है। अब अगर फोकस से आ रही है तो फिर पैरेलल चले जा रही है। परावर्तन के बाद कहां से जा रही है? पैरेलल जा रही है। क्लियर हुआ? ये दोनों रूल याद रहेगा। रूल को समझो तभी इमेजेस बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। नहीं समझ में आ रहा, बार बार पूछो पर समझो। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस पॉइंट? पोल। पोल। तो अगर पोल पे कोई रे इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतनी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या बोलता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आती है, मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका जस्ट इधर भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रे अगर आ रही है ऐसे तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, तो ये कहां से होते हुए जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे प्लेन मिरर में नॉर्मल के अलोंग आती थी तो कहां चले जाती थी? वापस नॉर्मल में ही चले जाती थी। वैसे ही यहां पे कर्व्ड सरफेस में क्या होता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो वापस उसी में ही चले जाती है, ठीक है। तो ये फोर रूल याद रखने हैं हमको। फर्स्ट रूल क्या कहता है? जब इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होते हुए जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। जब अगर फोकस से आएगी तो वापस कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और अगर पोल पे आती है डायरेक्ट तो जितने एंगल से आ रही है उतनी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट रूल, एक ऐसी रे जो कि कहां से होते जा रही है? डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस वो उसी पाथ में चले जाएगी। मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो कोई ऐसे रे ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई टकराएगी तो वापस उसी पाथ में चले जाएगी, दूसरे पाथ में नहीं जाएगी। क्लियर है? ये चारों रूल्स याद हो गए। चलिए अब हम इमेजेस फॉर्म करेंगे फॉर कॉन्केव मिरर। पहले कॉन्केव मिरर्स के लिए देखेंगे क्योंकि इसमें टोटल 6 केसेस होते हैं। केस नंबर 1, पहले ध्यान से देखिए इधर मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद नोट करना आराम से, है ना। ध्यान से देखो, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, अच्छा व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटिव, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इंफिनिटी पे हो, तो बना देते हैं इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे अगर आप सन को देखोगे तो आपसे कितने डिस्टेंस पर है? सन जो है हमसे कितने डिस्टेंस पर है? सन मतलब पता है ना मुझे क्या होता है? पुत्र, हाँ? सूर्य। सूर्य हमसे कितने डिस्टेंस पर है? नहीं पता, मतलब बहुत दूर है इसलिए नहीं पता है। पता है क्या हमको?
नहीं पता है ऐसे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, पर अगर देखा जाए तो हमसे बहुत दूर पे है, तो बहुत दूर है इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, वो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, है ना, अनंत दूरी पे है। कहां पे है? अनंत दूरी पे, इनफाइनाइट पे। तो जब भी उसकी रे आती है हम तक पहुंचती है तो आते आते वो कैसे हो जाती है, ऐसे फैली हुई आती है कि सीधी सीधी आती है? फैली हुई आती है। देखो कभी भी अपने घर में धूप के समय अगर आपकी विंडो से धूप आ रही हो, है ना, सनराइज आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, सॉरी माय मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग, सनलाइट आ रही हो, तो उसको ध्यान से देखना तो ऐसे कैसे आती है, वो सीधे सीधे आती है, ऐसे फैली हुई नहीं आती है। ध्यान से अगर देखना डस्ट पार्टिकल से पता चलता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो है वो से पता चलता है कि सनलाइट कैसे आ रही है, सीधे सीधे आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी लाइट आ रही है तो आते आते वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रही है रेज? इनफाइनाइट से आ रही है, इसलिए जब भी इनफाइनाइट से रेज आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की कहां हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब टकराने के बाद कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, तो ये फोकस से होते हुए गए, और यहां भी ये वाली भी फोकस से होते हुए गई। यस और नो? ये आपकी कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमको मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है, कौन सी रेस चाहिए होती है, रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्ट, दो रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेस मिल रही है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है? फोकस पे। बस बन गया इमेज। तो जो सन हमको इतनी दूर से, जो कि बहुत बड़ा होता है, हमको कैसा दिखाई देता है? फोकस दिखाई देता है। इसका एक एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट कभी बचपन में किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और उसके नीचे पेपर रख के। तो जब आप पेपर को रखते हो और मैग्नीफाइंग ग्लास से आप क्या करते हो, सनलाइट को उससे पास करवाते हो। वो तो खैर लेंस हो गया, यहाँ पे मिरर की बात हो रही है ना, तो एग्जांपल आप लेंस का दे रहा हूं मैं। तो लेंस जब आता है तो आप क्या करते हो, पेपर को ऐसे एडजस्ट करते हो कि ताकि वो कहां पे रहे, पेपर फोकस पे रहे, तो जिससे पूरी रेज जो है एक सन कहां पे पड़ती है, फोकस में पड़ती है, और आपका जो पेपर है वो जल उठता है। कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया हो ऐसा, ग्लास पकड़ के किया हो कि ग्लास से, है ना, जो भी नॉर्मल ग्लास से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, नॉर्मल ग्लास से भी कर सकते हो। तो वही चीज है, जब तक वो फोकस पे, फोकस पॉइंट पे आपका पेपर नहीं रहेगा तब तक वो पेपर जलेगा नहीं, ठीक है। तो जलने के लिए पेपर को कहां पे होना चाहिए, फोकस पे, क्योंकि जो रेज है बहुत दूर से आ रही है और आते आते कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो गई मतलब रिफ्लेक्शन की बात कहां से जाएंगी, फोकस से होते हो जाएंगी। तो टकरा के हमको कहां पे मिल रही है, फोकस से मिल रही है। तो अब आपको चार चीजें इसमें बतानी पड़ती, कल भी बताया था, है ना। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है वेयर इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, कहां पे फॉर्म हो रहा है, एट फोकस। सेकंड, ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे इमेज लिख देता हूं, एट इंफिनिटी। थर्ड, साइज ऑफ द इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है, एकदम सूक्ष्म, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, है ना, कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। फोर्थ, नेचर, नेचर ऑफ द इमेज कैसा बन रहा है, अच्छा मिरर के सामने बन रहा है कि मिरर के पीछे, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, और रियल के साथ हमेशा कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी यहां पे इन्वर्टेड दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, ये चार चीजें हमको बतानी पड़ती। एक और चीज मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, फिफ्थ नंबर, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जिसका फॉर्मूला होता है M is equal to
एच आई बाय एच यू, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कई बुक में एच डैश अपॉन एच यू एच लिखा होगा, एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, ऊपर हमेशा इमेज की हाइट लिखनी है, नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट लिखनी है, ये याद रखो। फॉर्मूला चाहे कुछ भी लिखा हो, क्लियर है? अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है। तो एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच यू, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब आपको मैग्निफिकेशन बताना है कि एन की वैल्यू कितनी है, एच आई जो है एच ओ से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। एच आई इज लेस देन एच ओ, सो एन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन वन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो आपको जीरो पॉइंट समथिंग आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब वन से क्या होगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कम होगी, जीरो पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल आपका सन जो है उसकी हाइट है, एच ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सन का नहीं भाई, कोई ऑब्जेक्ट लिया हूं मैं, उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उसका इमेज बन रहा है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर, इमेज बहुत छोटा दिख रहा है। अब एच आई बाई एच ओ कर लो, कितना आंसर आएगा, 0.2 आएगा, तो 0.2 वन से छोटा होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए ये एक चीज और मैंने ऐड कर दी है जो आपको बुक्स में मिलेंगी पर अलग से मिलती है, मैग्निफिकेशन टॉपिक अलग से मिलता है, मैं इसी में ऐड कर दी ताकि अलग से आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हुआ? याद रहेगा ये पांचों चीज लिख लोगे, ये बताने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी मैंने बता दिया। और कुछ छूट रहा है, नेचर बता दिए, इमेज कहाँ पे बन रहा है वो बता दिए, साइज बता दिए, मैग्निफिकेशन बता दिए, और कुछ है क्या? अच्छा ये भी बता देना, इन फ्रंट ऑफ मिरर ये भी बता दिए, चलो ठीक है। केस नंबर टू में फिर से मैं क्या करूंगा, एक कॉनकेव मिरर लूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे फोकस पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कहाँ लेके आएंगे, मिरर के सामने लेते आ जाएंगे। पहले इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रख देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, एच बियॉन्ड सी, सी से बाहर की तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा, सी से पहले रखा हमने ऑब्जेक्ट को, सी से पहले रखा है कि नहीं रखा, इसी को क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी एक रे ले लेते हैं जो कि कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो कहां जाएगी वापस, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। एक रे हो गया, हमको दो रे चाहिए होती कम से कम, दूसरी रे कौन सी ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट होती है तो वापस, हाँ वापस उसी पाथ में चली जाती है, वापस उसी पाथ में चली जाती है, यस और नो? आप ऐसी एक और रे भी ले सकते थे जो फोकस से होते हुए जा रही है और वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाएगी, तो यहाँ पे फिर से आपको यहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। कोई भी दो रे पकड़ना, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया मतलब आप रुक जाओ, एक और रे मत लो जबरदस्ती, कोई भी दो रे पकड़ लो। अब आपका ये देखो, ये आपका हेड पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लोअर पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का, ए डैश बी डैश बन गया, ठीक है। चलिए कहां, सबसे पहले इमेज कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, यही आंसर है इसका, चेक करो तो, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली नहीं बना रहे ना, मेजर करके यही है सही जा रहा है, मतलब मेजर करके नहीं बना रहे ना इसीलिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी, वो यहां लिखा हुआ है तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ इमेज कैसा बन रहा है, सेम साइज दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, डिमिनिश्ड, सेम साइज कैसे दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया, मेजर करके हम बनाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, यहाँ बिना मेजरमेंट के बना रहे इसलिए हमको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, पर थोड़ा सा छोटा तो दिख ही रहा होगा डिफरेंस, इसीलिए डिमिनिश्ड, ठीक है। एकदम छोटा होता है तो हाईली डिमिनिश्ड, और छोटा है तो डिमिनिश्ड, और फिर साइज हो गया। नेचर कैसा बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है तो कैसे बनता है,
रियल, अब दिख रहा है इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है कि नहीं? इसीलिए रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड। समझ में आया इन्वर्टेड का मतलब? और फोर्थ मैग्निफिकेशन, बताइए ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन? एच आई बाय एच ओ फॉर्मूला लगाओ, ग्रेटर देन वन आ रहा है। एच आई बड़ा है कि एच ओ बड़ा है? एच आई इज लेस देन एच ओ है। हाइट ऑफ इमेज छोटी है ना भाई, हाइट इसको बोलेंगे, ये मेजरमेंट। हाइट ऑफ इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड दिख रहा है ना, हाइट ऑफ इमेज छोटी है एच ओ से, फिर से क्या आएगा आपका? एम इज लेस देन वन, वन से छोटी आएगी फिर से। चलिए देखो ना, बड़ा लिए और छोटा बन रहा है कि नहीं? ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा बन रहा है, इसलिए इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो लेस देन वन आएगा। केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री क्या बोलते हैं? अब और आगे बढ़ाएंगे, अब कहां पे रख दूं? एट सी पे रख देते हैं। ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से उतर जाएगी? फोकस से उतर जाएगी, ठीक है? अब फोकस से उतर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे सेम प्लेस पे बनता है, मेजर करके बनाओगे तो आपका एग्जैक्टली आता है, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे, कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? यहां पे हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? ए डैश और बी डैश आपका वहीं पे है, तो कहां पे बना आपका इमेज? कहां पे बन रहा है? एट सी। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो वहीं पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है? कैसा बन रहा है? साइज ऑफ द इमेज सेम साइज, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, मेरे को पता है, पर जब मेजर करके बनाओगे तो एग्जैक्टली वो सेम साइज पे बनता है, ठीक है? मैं आपको कॉपी में करके बताऊंगा मेजर करके। उसके बाद नेचर कैसा बन रहा है? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और फोर्थ मैग्निफिकेशन, एच आई बाय एच ओ, एच आई क्या है? इज इक्वल टू एच ओ है, दोनों इक्वल हो गए, मतलब एम की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई। टू बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, इसलिए एम की वैल्यू वन। केस नंबर फोर, अब हम और पास लेके जाएंगे, बिटवीन सी एंड एफ, चलिए सी एंड एफ में लेके जाते हैं। ये पोल, ये फोकस, ये सी, देखो ये भी मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, है ना भाई? रेडियस हमको कितनी है नहीं पता ना, इसीलिए हमारा एग्जैक्ट नहीं बना डायग्राम, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बने, है ना? हमको ये मेजर करके थोड़ा बना रहा हूँ, ये इसका जस्ट डबल होता है, यस और नो? तो मेजर कर रहा हूँ क्या? बिना मेजर के बना रहा हूँ, तो ये सब मेजर करके बनाओगे तो एग्जैक्ट आता है, ठीक है? हाँ, सी एंड एफ के बीच में रख दीजिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉप करवा दो, कहाँ जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी, है ना? दूसरी कहाँ से करवाओ? दूसरी कहाँ से करवाओ? पोल पे भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फोकस से ले लिया, फोकस से ले लिया, टकरा के कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बराबर नहीं, पैरेलल, ये क्या हो जाएगा? ये आपका ए डैश बी डैश, ये आपका ए बी, अब कहां पे बन रहा है? फर्स्ट कहां पे बन रहा है? बिटवीन, हाँ, बियॉन्ड सी बन रहा है, बियॉन्ड सी। सेकंड, साइज कैसा है? बड़ा है, तो क्या बोलेंगे उसको? एनलार्ज्ड, है ना? बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एनलार्ज, बहुत बड़ा होता तो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है? थर्ड कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है। और फोर्थ मैग्निफिकेशन, बताओ कितना होगा? ग्रेटर देन वन होगा,
देखो एच आई एच ओ से बड़ा है कि नहीं है, तो मतलब वन से ज्यादा आएगी वैल्यू। एग्जाम्पल ले लो, एच ओ की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर और एच आई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10/5 आंसर कितना आएगा 2, तो 2 1 से बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब जब एच आई एच ओ से बड़ा होगा तो एम की वैल्यू भी 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। एच आई छोटा आता है तो एम की वैल्यू छोटी होती है, एच आई एच ओ बराबर होता है तो इक्वल टू 1 होता है, एच आई अगर बड़ा होता है तो एम की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये याद रखना।